फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ अफनान और आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है उसमें हम देखेंगे कि हम जो है वो लारावेल एप्लीकेशन में एडमिन पैनल जो है वो कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको जो है प्रोजेक्ट का डेमो दे देता हूँ, देन जो है हम उसे अगेन से क्रिएट करेंगे। सिंपली आई जस्ट ओपन माई ब्राउज़र। तो यहाँ पर मैंने अपना जो है प्रोजेक्ट ओपन किया हुआ है, ठीक है, इस पोर्ट पर। सो सिंपली ऑलरेडी एक यूज़र जो है रजिस्टर किया, तो सिंपली मैं लॉग इन करूँगा विद क्रेडेंशियल्स। सो हेयर यू कैन सी द डैशबोर्ड, एंड डैशबोर्ड पे जिस नेम से यूज़र जो है वो लॉगिन हुआ है वो यहाँ पे जो है वो उसका नेम शो हो गया है। देन यहाँ पे उसके बाद यूज़र की इमेज शो हो रही है, ठीक है। देन इसके बाद प्रोफाइल सेशन में जाते हैं, ठीक है। देन प्रोफाइल जो है वो शो हो रही है, ठीक है। यहाँ पे मैं इसे चेंज करता हूँ, यहाँ पे मैं कर देता हूँ नेम जॉन, एंड इसको भी चेंज कर लेते हैं जॉन एडमिन, एंड नंबर भी चेंज कर लेते हैं। और यहाँ पर मैं जो है वो पिक्चर ऐड कर लेता हूँ फ्रॉम, तो यहाँ पे मैं ये पिक्चर ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। सिंपली मैं जो सबमिट करूँगा। सो जैसे ही मैंने सबमिट किया, मेरे पास जो है रिकॉर्ड अपडेट हो गया, जॉन एडमिन आ गया, ठीक है। और यहाँ पे इमेज भी जो है अपडेट हो गई, ठीक है। डैशबोर्ड पे जाते हैं तो यहाँ पे भी मेरे पास जो है वो नेम चेंज हो गया और यहाँ पे जो है वो शो हो गया वेलकम जॉन, ठीक है। इसके अलावा यूज़र्स पेज पे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यूज़र्स मेरे पास शो हो रहे हैं, ठीक है, जिसके अंदर नेम जो है वो बैच के अंदर शो हो रहा है और ईमेल भी, ठीक है। यहाँ पे एक न्यू यूज़र ऐड करते हैं, यहाँ पे मैं कह देता हूँ जॉन एट द रेट एग्जाम्पल डॉट कॉम है। यहाँ पर मैं इमेज ऐड कर लेता हूँ फ्रॉम दिस, इमेज ऐड कर लेता हूँ ऐड यूज़र। सो जैसे मैंने ऐड किया तो यहाँ पे जो यूज़र ऐड हो गया, ठीक है। एडिट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ जॉन केविन एंड इन प्लेस ऑफ एग्जाम्पल gmail.com, एंड इमेज भी चेंज कर लेता हूँ, इमेज मैं यहाँ पे कर लेता हूँ दिस वन, सेव चेंजेस। तो यहाँ पे जो है वो इमेज भी अपडेट होगी, नेम भी अपडेट हो गया और ईमेल भी अपडेट होगी, ठीक है। एडिट भी वर्क कर रहे हैं, एड यूज़र भी, एंड लास्ट डिलीट करके देख लेते हैं दिस रिकॉर्ड सिंपल, एंड यहाँ पे जो रिकॉर्ड डिलीट हो गया, ठीक है। तो फ्रेंड ये था मेरे पास प्रोजेक्ट का डेमो बेसिक एडमिन पैनल, ठीक है। अब जो है वो इसको गेम से क्रिएट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड। सिंपली मैं अपना वीएस कोड ओपन कर लूँगा, ठीक है, एंड विद इन दिस एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। एंड न्यू प्रोजेक्ट मैं क्रिएट कर रहा हूँ लारावेल न्यू फोल्डर में, एंड आई नेम दिस प्रोजेक्ट एज एग्जाम्पल ऐप, ओके। सो आई एम क्रिएटिंग this Laravel 10 application, okay. So within 2 or 3 minutes mere paas jo hai ye complete setup ho jayega. So friend yahan pe mere paas jo hai project completely setup ho gaya, theek hai. Simple main project mein aa jata hu. Yahan pe jo वर्जन चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो लारावेल 10 जो है वो सेटअप, ओके। सिंपली जो है वो इसे ओपन कर लेते हैं अपने ब्राउज़र में, एंड सिंपल यहाँ से मैं इसे ओपन कर लेता हूँ, ओके। सो ऑल गुड, लारावेल 10 की जो है स्टार्टर टेम्पलेट आ गई, ठीक है। लारावेल 10 इसलिए वैसे तो मैं यूज़ करता हूँ वही, बट इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि उसमें जो है काफ़ी चीज़ें जो है वो इशू आ जाता था इस वजह से। सो लारावेल 10 जो है कंपेटेबल होती है और इसमें जो है इशू वगैरह कोई भी नहीं आएगा, ओके। सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल एक न्यू ब्राउज़र ओपन करता हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम टेम्पलेट डाउनलोड कर लेंगे जो कि हमें जो है वो एडमिन पैनल के लिए यूज़ होगी। सो सिंपल लिखना है कैड डैश एडमिन टेम्पलेट फ्री डाउनलोड। सिंपली फर्स्ट साइट पे जाना है आपने, एंड हेयर यहाँ पे सिंपली डाउनलोड कर लेना है। अगर डाउनलोड का ऑप्शन नहीं आ रहा होगा तो आपको यहाँ पर ऑप्शन आ रहा होगा सेंड ईमेल लिंक, ईमेल ऐड करेंगे तो ईमेल पर लिंक आ जाएगा, सिंपली वहाँ से जो है वो डाउनलोड कर लेना, ठीक है। फॉर नाउ सिंपल यहाँ से मैं इसे डाउनलोड कर रहा हूँ। सो विद इन 1 or 2 मिनट्स मेरे पास जो है वो ये डाउनलोड हो जाएगी। सो यहाँ पे मेरे पास डाउनलोड हो गया, ठीक है। सिंपली इसे मैं ओपन करता हूँ यहाँ से ही, ठीक है। आप डाउनलोड्स में जाके भी ओपन कर सकते हैं, ठीक है।
ठीक है, सिंपली से मैं एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ डेस्कटॉप के ऊपर फॉर नाउ, सो यू कैन एक्सट्रैक्ट इट वेर यू वांट, वेर एवर यू वांट, बट यहाँ पे भी जो मैंने डेस्कटॉप पे किया, ओके, एंड सिंपली जो है वो यहाँ से मैं क्लोज़ कर देता हूँ, ये विंडो जो है वो क्लोज़ कर देता, सिंपल मिनिमाइज़ करते हैं, तो यहाँ पे मेरे पास जो है वो डेस्कटॉप पे एक्सट्रैक्ट हो गया, ठीक है। सो यहाँ से भी क्या करना है, सिंपल में जो है कुछ फोल्डर्स प्लगइन्स वगैरह CSS फाइल देने, CSS फाइल जो है वो कॉपी करनी है, फॉन्ट्स वगैरह सिंपल पेंटोर्स CSS पेजेस को रहने देते हैं, जावास्क्रिप्ट इमेजेस फॉन्ट डॉक्स CSS, ओके। सो ये फोल्डर सिंपली जो है वो कॉपी करनी है, कॉपी करने के बाद से क्लोज़ करता हूँ, ठीक है, और अपने जो प्रोजेक्ट में आ जाना है, ठीक है, जहाँ पे आपने इसे क्रिएट किया है। एग्जांपल है हमारे प्रोजेक्ट का नेम, पब्लिक फोल्डर में जाना है एंड यहाँ पे पेस्ट कर देना है, सिंपली बस ये करना है, ठीक है। पेस्ट कर दिया, देन इसे क्लोज कर देते हैं, VS कोड में आते हैं और यहाँ पे एग्जांपल है पब्लिक फोल्डर में जाता हूँ, यहाँ पे सारे फोल्डर जो है वो ऐड हो गए हैं, ठीक है, ऑल सेट। सो नाउ अभी जो है हम अपनी व्यूज़ वगैरह फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो सेटअप कर लेते हैं, ठीक है। सो फॉर दिस सिंपल मैं अपनी सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो डेटाबेस सेटअप कर लेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने अपनी नोटपैड फाइल ओपन किया, ठीक है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आपने जो है कॉपी पेस्ट कर लेना है सिंपली, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल यूज़र टेबल क्रिएट कर लेंगे, ठीक है, एक फंक्शन जो है मैंने माइग्रेशन का कॉपी ऐड किया हुआ, सिंपली से कॉपी करना है, VS कोड में जाना है, डेटाबेस माइग्रेशंस, ठीक है। सो जब हम न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे यूज़र टेबल जो है वो ऑलरेडी ऐड होता है, ठीक है, तो यहाँ पे वो ऐड कर देना है ये फंक्शन, देन इसके बाद एडमिन टेबल क्रिएट करना है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है माइग्रेशन क्रिएट कर लेते हैं फॉर एडमिन टेबल, प्रोजेक्ट में आके क्रिएट एडमिन टेबल्स, एडमिन टेबल्स में आना है, सिंपली ये फंक्शन कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना, ओके, ऑल सेट। देन आफ्टर दिस ENV में आता हूँ मैं और यहाँ पे नेम दे देता हूँ मैं एग्जांपल डेटाबेस नेम, ओके, देन इसी को कॉपी करके लोकल होस्ट न्यू में जाके एग्जाम्पल क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, डेटाबेस क्रिएट हो गया, मिनिमाइज करते हैं, सिंपली रन अवर माइग्रेशंस, माइग्रेशन हो गया, ठीक है, चेक कर लेते हैं टेबल्स वगैरह क्रिएट हो गए, ठीक है, एडमिन्स भी क्रिएट हो गया एंड यूजर्स भी, ओके, ऑल सेट। देन आफ्टर दिस क्लोज करता हूँ, इसको भी क्लोज कर देते हैं, इसको भी व्यूज में आ जाते हैं। देन यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो हमें आफ्टर एडिंग टेम्पलेट यहाँ पे हमें जो है फोल्डर क्रिएट करना है इंक्लूड्स के नेम पे, जिसके अंदर नैव बार और साइड बार होगा, तो सिंपली व्यूज में जाना है, न्यू फोल्डर इंक्लूड्स, ओके, एंड विद इन दिस फोल्डर आई क्रिएट टू फाइल्स, वन इज नैव बार डॉट ब्लेड डॉट PHP एंड सेकेंड वन इज साइड बार डॉट play.php, ओके, ऑल सेट। देन यहाँ से nav.play.php फाइल का कोड कॉपी करना है यहाँ तक, कंट्रोल V एंड क्लोज दिस, देन सेम फॉर साइड बार, यहाँ तक इसे कॉपी कर लेना है, ठीक है, यहाँ तक कोड इसका मेंशन होगा आपके पास, ठीक है, देन सिंपली पेस्ट, देन क्लोज दिस, ओके। देन हमें जो है वो लॉगिन रजिस्टर डैशबोर्ड प्रोफाइल एंड यूज़र पेज जो है वो क्रिएट करनी है, ठीक है। सो फॉर दिस सबसे पहले जो है यहाँ पे मेंशन किया होगा जो स्टेप, उसको अपनी फॉलो करना है, एडमिन फोल्डर बनाना है, देन उसके अंदर जो है वो क्रिएट करना है, क्लोज करते हैं, व्यूज़ में जाता हूँ, न्यू फोल्डर क्रिएट करता हूँ एंड आई नेम दिस फोल्डर एज एडमिन एंड विद इन दिस फोल्डर आई क्रिएट फाइव ब्लेड फाइल, वन इज register dot blade dot php, second one login dot
template.php, third dashboard.template.php, and fourth one profile.plate.php, and the last one is for users, user.plate.php. okay, so यहाँ पे files name भी mention होंगे, so you don't need to worry, simply जो है वो अपने follow करने हैं. then first of all register.plate.php file का code copy कर लेते हैं, जो कि है यहाँ तक. first file में जाते हैं, close add करने के बाद इसे यहाँ से close कर देना है. then जो है login का code copy करना है and paste करके यहाँ से इसे close. then dashboard file, then close, and same for profile. close, and last one जो है वो users, control C, and यहाँ पे control V. so all set, views सारा create कर लिया, सब कुछ जो है वो setup है. अब जो है वो हम create कर लेते हैं controller. for this simple जो है वो एक controller create कर लूँगा, and I name this controller as admin controller. ठीक है, and एक जो है model create कर लेंगे for admin, and name this model as admin because जो है हमारे table का name था admins, और model का name जो है वो singular होता है. so simply जो है वो two, एक model and एक controller create किया, और user model जो है वो already हमारे पास होता है. मैं आपको दिखा देता हूँ, user model already है, and http controllers and admin controller जो है वो add किया. then यहाँ से कंट्रोलर का कोड कॉपी करना है सिंपली, एंड पेस्ट इट हियर. ओके, देन डुप्लीकेट्स जो भी होंगे उसे रिमूव कर देना, बस रिक्वेस्ट डुप्लीकेट होगा इसे रिमूव कर देना, एंड यू आर गुड टू गो नाउ. देन फाइल में आते हैं, और यहाँ पे हमने मॉडल ऑलरेडी क्रिएट कर लिया है. ठीक है, एडमिन मॉडल में कुछ फिलेबल्स हैं वो ऐड कर लेते हैं, नेम पिक्चर वगैरह क्योंकि वो नल थी, एंड सेम फॉर यूज़र, यूज़र मॉडल में गए, और यहाँ पे मैंने ऐड कर लिया. ओके, क्लोज क्लोज. ओके, then after this simply I go to routes web.php, and अब जो है वो routes create कर लेते हैं. and for this simply जो है मैं अपनी notepad में जाऊँगा, और यहाँ पे already मैंने create किया है routes, simply यहाँ तक routes जो है वो copy कर लेंगे. ठीक है, so यहाँ पे import करवा लेंगे admin controller, admin controller. सो यहाँ पे आपने इंपोर्ट करवा लेना ऐप http controller admin controller, देन जो है वो कोई एरर वगैरह आपके पास नहीं आएगा. ओके, देन यहाँ पे सिंपल जो है वो एडमिन सेव के फंक्शन हैं, लॉग आउट के, रजिस्टर, एड एंड डैशबोर्ड. सो नाउ अब जो है अपने ब्राउज़र पे जाते हैं, उसको चेक कर लेते हैं. php artisan surf तो है ही है. ठीक है, यहाँ से स्टोरेज लिंक क्रिएट कर लेते हैं. ठीक है, क्योंकि इमेजेस वगैरह भी हम स्टोर करेंगे. ऑल सेट ऐप पब्लिक, ब्राउज़र में जाते हैं, रीलोड कर लेते हैं, देन स्लैश एडमिन स्लैश रजिस्टर. देन यहाँ पे एक न्यू यूज़र से रजिस्टर कर लेता हूँ, अभी मेरे पास कोई भी रिकॉर्ड नहीं है. नाम, तारीख एंड पासवर्ड, एंड पासवर्ड. ओके, so now it's saying phone number does not have a default value, तो structure में जाके phone number change कर लेता हूँ मैं से, इसमें कर लेता हूँ null, save, then reload.
जो है कि अब बायो में भी इशू आ रहा है, ठीक है, बायो में भी मैं कर लेता हूँ नल से रीलोड पिक्चर। सो आई फॉरगेट टू मेक दिस नल स्टेट्स आई दिस एरर हैपनिंग। सो यूज़र मेरे पास, इसको भी चेंज कर लेते हैं, यूज़र नेम को भी इसे कर देता हूँ नल सेव एंड अगेन कंटिन्यू करता हूँ। सो यहाँ पे भी जो है मेरे पास एट लास्ट जो है वो रिकॉर्ड ऐड हो गया, ठीक है। सो आई फॉरगेट टू मेक दिस कॉलम नल सो डैट्स वाई दिस एरर हैपन। सो नाउ सिंपल लॉगिन करते हैं आप पासवर्ड। सो यहाँ पे मेरे पास जो है वो लॉगिन हो गया, ऑल सेट। सो फॉर नाउ यहाँ पे भी जो है वो पिक्चर वगैरह कुछ भी शो नहीं हो रहा। प्रोफाइल में जाते हैं, यहाँ पे जो रिकॉर्ड वगैरह वो बाद में देखते हैं, पहले जो है वो यूज़र से ऐड करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है प्रोफाइल सेटअप कर लेते हैं। सो यहाँ पे ये रहने देता हूँ, बायो में कह देता हूँ दिस इज़ एडमिन पैनल, नंबर ऐड कर लेता हूँ, यहाँ पे इमेज ऐड कर लेते हैं कोई भी डिफ़ॉल्ट ऐड कर लेता हूँ दिस वन, देन मैं करता हूँ सबमिट। सो यहाँ पे इमेज ऐड होगी, ठीक है, दिस इज़ एडमिन पैनल ऐड हो गया, फ़ोन नंबर वगैरह सब चीज़ें जो है ऐड होगी, ऑल सेट, ऑल गुड, ओके। देन डैशबोर्ड पे भी जो है वो नेम शो हो, देन प्रोफाइल भी हमारे पास जो वो सेटअप हो गया, ऑल सेट। देन अब यूज़र्स में जाते हैं एंड यहाँ पे मैं जो एक न्यू यूज़र ऐड करता हूँ, नेम दिस एज जॉन एंड यहाँ पे इमेज में ऐड कर लेता हूँ दिस वन। सो यहाँ पे भी कह रहा है फ़ोन नंबर डज नॉट हैव डिफॉल्ट वैल्यू, सो उसको भी चेंज कर लेता हूँ, ओके। एसक्यूएल में जाके, सॉरी स्ट्रक्चर में जाके फ़ोन नंबर एंड मेक इट नल, देन रीलोड करते हैं, बायो को भी चेंज कर लेते हैं एंड पिक्चर को भी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं पिक्चर में एरर तो नहीं आ रहा है, देन इसको जो है वो चेंज करते हैं। सो ऑल गुड, पिक्चर भी ऐड होगी एंड एवरीथिंग। एडिट करके देख लेते हैं सारा रिकॉर्ड, यहाँ पे मैं कर देता हूँ ऑफ ना एंड नहीं बल्कि यहाँ पे से जॉन रह देते थे जॉन केविन एंड द रेट gmail.com एंड फॉर इमेज आई चेंज दिस टू दिस, सेव करता हूँ, रिकॉर्ड जो है वो अपडेट हो गया, ऑल गुड। एक और रिकॉर्ड ऐड कर लेता हूँ मैं विद सेम नेम एंड फॉर इमेज कह लेता हूँ दिस वन, यहाँ पे रिकॉर्ड ऐड हो गया, ठीक है। देन इसे जो है वो सिंपली अब डिलीट करके देखते हैं लास्ट जो हमारे पास है फंक्शन चेक करने वाला, एंड रिकॉर्ड डिलीट भी जो है वो ये वर्क कर रहा है, ठीक है। सो ऑल सेट फ्रेंड, जो कि हमने डेमो में देखा था वो सारी फंक्शनैलिटीज़ जो है वो हमने अचीव की अगेन से जो है वो अपने प्रोजेक्ट में क्रिएट की, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एडमिन पैनल। सो इन द नेक्स्ट वीडियो हम जो है वो देखेंगे चैट सिस्टम कैसे जो है क्रिएट कर सकते हैं एडमिन यूज़र पैनल में, और इसके अलावा जो है अगर कोई भी आपको जो वीडियो इंटरेस्ट लगता है तो आप मुझे कमेंट सेशन में बताएं, देन आई विल मेक वीडियो ऑन दैट टॉपिक। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू लाइक दिस वीडियो काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।